गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे फिजिक्स क्लास 12, आई एम स्टार्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इन दिस टॉपिक द फर्स्ट थिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, एक होता है आपका इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। तो पहले हम इन सीरीज देखेंगे कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। पहले देख लीजिए, इन सीरीज पहले आता है, इन सीरीज इसमें देखेंगे क्या, आप तीन रेजिस्टेंस लेके चलिए। इफ देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस टू कंबाइन, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस जो है हमने कंबाइन किए, देख लिए कंबाइन कैसे होगा। फिगर बन रहा है इसका, तीन रेजिस्टेंस की बात कही जा रही है। ये बैटरी हमने जोड़ दी, ठीक है। अब देखिए ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो करंट पूरे में करंट कांस्टेंट हो गई, करंट जो है वो कांस्टेंट हो गई, मतलब I कांस्टेंट हो, ठीक है। और हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसका V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा और इसका V3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये फिगर बन गई। इसको बैटरी रख देते हैं हम, बैटरी, ठीक है। तो बाई ओम्स का ले लीजिए, बाई ओम्स V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो पहले जो है फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे इस रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार सेकंड का ले लें, फॉर सेकंड V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड का ले लें, फॉर थर्ड तो V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा, ठीक है। अब पूरे सर्किट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल फॉर होल सर्किट। तो नेट पोटेंशियल फॉर होल सर्किट मतलब पूरे पर सर्किट में तो सारे रेजिस्टेंस प्लस हो जाएंगे, तो V की वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब V1 V2 की V3 की वैल्यू आप पा चुके हैं, तो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे, देख लीजिए। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। और V की वैल्यू यहाँ पे IR रख देंगे, ठीक। अब IR3 ऐसे रख देंगे, यहाँ पर देखिए कॉमन जा रहा है I कॉमन जा रहा है, तो I कॉमन ले लीजिए, आपको मिला R1 प्लस R2 प्लस R3, I और ये I कैंसिल हो गया, तो मिल गया आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आफ्टर इट इसके बाद आता है इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में देख लीजिए किस तरह कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का,
इन पैरेलल देख लीजिए, इन पैरेलल सीरीज में ये था, एक रेजिस्टेंस के हेड को दूसरे रेजिस्टेंस के टेल से, दूसरे रेजिस्टेंस के हेड को तीसरे रेजिस्टेंस के टेल से इस तरह जोड़ा जाता था, ठीक है। बट इस कॉम्बिनेशन में ये होगा कि आप जो है ऊपर से नीचे तक रेजिस्टेंस को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे तक रेजिस्टेंस को जोड़ते चले जाएंगे, देख लीजिए इसमें भी तीन रेजिस्टेंस लिखते देखते हैं, इफ देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस तीन रेजिस्टेंस में भी ले लिए, ठीक है। इस जैसे उसमें लिया था सीरीज में हमने तीन रेजिस्टेंस, उसी प्रकार पैरेलल में हमने तीन रेजिस्टेंस ले लिए। बस उसमें ये था कि एक सीरीज के हेड को दूसरे सीरीज के टेल से, इसमें ऊपर से नीचे तक रेजिस्टेंस जुड़ते चले जाएंगे। देखिए कैसे जुड़ेंगे, ये देख लीजिए कंबाइन कैसे किया जाएगा, ये है ये, ठीक, ये पहला रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद ये दूसरा है, ये देख लीजिए ऊपर से नीचे रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है, और फिर इसके बाद ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये जोड़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, और फिर हमने इसको जो है यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसको हम आर वन लेते हैं, ये आर टू हो जाएगा, ये आपका आर थ्री हो जाएगा, और तीनों रेजिस्टेंस जब आपने करंट फ्लो करना शुरू किया तो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होगी, इसमें आई वन हो जाएगा आपका, इसमें आई टू हो जाएगा, और इसमें आई थ्री हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज बता दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होगा ये पोटेंशियल है वो आपको कॉन्स्टेंट होगा, पूरी सर्किट का पोटेंशियल जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज होगी, बाई ओम्स का फिर ले लेते हैं, बाई ओम्स ला, तो बाई ओम्स ला ले लेंगे, ओम्स ला बी इज इक्वल टू आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर, फिर इसके बाद आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर लेंगे, सो आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इसमें भी पहले रेजिस्टेंस के लिए लेंगे, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस इस प्रकार सीरीज में, क्योंकि रेजिस्टेंस को ही कंबाइन कर रहे हैं हम, तो सीरीज में भी हमने फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस लिया था, उसी प्रकार पैरेलल में भी फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेंगे। तो आई वन की वैल्यू हो जाएगी, आई वन इज इक्वल टू बी अपॉन आर वन हो जाएगी, ये आपका पहला हो गया। फॉर सेकंड आई टू की वैल्यू वी अपॉन आर टू हो जाएगी, फॉर थर्ड आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब पूरी सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, ठीक है, तो करंट फ्लो इन होल सर्किट ये ले लेंगे, करंट फ्लो इन होल सर्किट, पूरी सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, करंट फ्लो इन होल सर्किट, तो इसका मतलब पूरे करंट को ऐड कर देंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई वन की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, आई टू की आई थ्री तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, और यहाँ पे वी अपॉन आर आई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी अपॉन आर की इज इक्वल टू, देखिए ऊपर कुछ कॉमन जा रहा है, वी यहाँ पे कॉमन जा रहा है, ठीक है, तो वी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच रहा है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, बी और बी ए कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये आपका पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ओके।
तो ये आपके दोनों हो गए इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, थैंक यू।